आप लोगों को पता है हमारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए YouTube पे. Yeah, I heard. Congrats! Real excitement. हम लोग 10:30 बजे यहीं से लाइव करेंगे सारे. तुमने कुछ किया अपने बालों को ना, लाइक तुम वो लग रहे जैसे पुलिस वाली जो लेडीज होती हैं वो करती हैं. थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. थोड़ा क्या स्ट्रिक्ट? बॉसी. मेरे पास तो फिर कोई चांस नहीं है बॉसी होने का. बाले से बॉसी हो रहा है. मीमी तेरे को मिला नहीं है ना, तू ले ले बस. ओह माय गॉड, मीमी है भी ढीली. समझ ही नहीं आ रहा है उसको सीरियसली. इस चक्कर में ना भागेंगे. चलो बाय. अभी तो लग रहा था कि स्प्रिंग आ गया है और अब फिर बरसात शुरू हो गई. हमने 2 दिन अब धूपे निकल रही थी तो हमने हल्दी काट के सूखने के लिए रखी हुई है. हमने कल लाइव किया है ना. Yes, मिलियन सब्सक्राइबर वाला. Yes, अच्छा तुम थे तो. और फिर किरण भी है कि तुम तबीयत खराब हो गई थी. मैं तो चला गया था. मैं गया था धर्मगोड मेरे फ्रेंड को एक वीगन मीट ट्राई कराना था. उसका रेस्टोरेंट है तो मैं चाह रहा था कि भाई वो वीगन मीट रख ले मेन्यू में. वीगन मीट होता है ये गेहूं का और सोयाबीन का और मटर के प्रोटीन का बना हुआ, तो वो रख लेगा. कुछ जाने वैसे बचेंगी. मेरे हिप्पी डेज से मेरा एक फ्रेंड है संजी, जिनका धर्मकोट में अपना रेस्टोरेंट है. इस समय मैं उनके यहाँ आया हूँ. उनकी किचन में हम बना रहे हैं वीगन चिकन. 250 ग्राम चिकन सोक करके 1 किलो हो जाएगा और ये नॉर्मल चिकन नॉर्मल मटन से सस्ता है. चिकन की तरह इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है. दूसरा ये कि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है कंपेरेबल है. 100 ग्राम चिकन में मेरे ख्याल से 22 ग्राम प्रोटीन होता है. Okay. इसमें 18 ग्राम है. हेल्दी और सस्ता. अपना सीक्रेट मसाला बताओगे हमें? सीक्रेट मसाला एक इंग्रेडिएंट छोड़ देना बेशक. आपका वीगन मटन रेडी है. वाह, पास है ना? पास. बेटी जी खा रही है तुम्हारा छाता. थैंक यू. कल मैं चला गया, किरण का वो थी तबीयत खराब. क्या फिर अब मैं तो आपको ही बताना था. फिर किरण तो सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि बहुत फिट्स आने लग रहे थे उसको अचानक से ना. इतने दिन से बीमार चल रही थी तो बेसिकली डिस्टेंपर की वजह से ही थी और हमें पता नहीं लगा. अंदर चल के बात कर लेते हैं. जो सिम्टम्स आ रहे थे ना, जो नर्व इशू वाले, वो और भी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, बट मोस्टली क्योंकि यहाँ पर कैनाइन डिस्टेंपर बहुत ज़्यादा तरीके से फैला हुआ है. कद्दू में तो कोई सिम्टम्स नहीं है? नहीं नहीं, कद्दू और झिलमिल तो बिल्कुल फाइन है. उनका वैक्सीनेशन एक हुआ है. झिलमिल का दोनों वैक्सीनेशन हो गया, कद्दू का एक हुआ है, लेकिन दोनों दूर हैं, ठीक है. बस शैतानी करते हैं तो भाग जाते हैं बाहर, तो उनको कैनन में ही रखना पड़ता है. कल भाग गए थे. हाँ, वो इतनी छोटी सी जो ट्रेन का हिस्सा है ना, वहाँ से भाग रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं. ये बाहर कैसे आ रहे हैं? ये तो इनके क्या जम्मू अच्छा नहीं नहीं ये इसके ऊपर चढ़ गई होगी. मनु गंदी बातें कर रही है वो, पता चुटोरी कितनी चुड़ैल है. ओए बेहेव. दूसरा भी है कोई? मूली को अंदर कर दो और झिल्ली बाहर रह लेगी. ये तो नहीं तो सारे खेत का सत्यानाश करेंगे. चलो अंदर ही है, ठीक है, कोई बात नहीं. एट अ टाइम. इतने शैतान कुत्तों को अडॉप्ट करने में ना अब देखने में बड़ी दिक्कत होगी. मूली वैसे ही इसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है. चटोरी भी पागल हो रही है. वो देखो वो मुर्गों का पानी पियेंगे, मुर्गों का दाना खाएंगे. चूचू के घर के अंदर घुस गए. चलो चल निकलो. ओए चल बाहर. सैटरडे रात को आया हूँ तो विक्की जी महाराज और नवीन ये लोग मुझे लगा कहीं से आ रहे हैं पार्टी वार्टी करके. पर तो वो रेस्क्यू से आ रहे हैं. तो वो रेस्क्यू फिर उन्होंने उस समय यही कहा था कि पकड़ के रखा. आप लोग ये डॉग के रेस्क्यू के लिए कल भी गए थे ना? टैक्सी करके गए थे हम. डॉग ना पकड़ में नहीं आई. वो आज उन्होंने कमरे के अंदर बंद कर रखी है. जब तुम चले गए थे शाम को आए थे तो एक बच्ची है ना उसको एक रोटी दी, पहले वहाँ डाली फिर अंदर डाली, वो अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया. ये आवारा है लेकिन सभी के साथ लगाव हो गया इसको. तो वो किसने लगाई थे? बाइट ट्रैप. पता नहीं किसने लगाई थी. ये नहीं हमारे गांव में लगाता होगा ना कोई? कोई लगाता होगा. पता करो उसका. ये तो बेचारी सफर कर रही और जानवर करेंगे साथ. हाँ हाँ. उस साइड है बैठी तरली साइड ना, लेफ्ट साइड है बैठी. ये सामने बैठी है नीचे. चलाइए उलू. हाँ जी बैठी है. हाँ बच्चे कहाँ हो गया है? तक मार थोड़ी है. दरवाजा बंद कर. इधर मिलो बच्चा ले. लीश है ना जी? लीश दे यार.
लड़की रो रही है एक बड़ी रो रही है बोले कितने टाइम के बाद छोड़नी है ये ठीक होने के बाद छोड़ देंगे हम अरे गौरव लीला का दिन पंद्रह दिन का तो नहीं है ना यार है ना सर ज्यादा ही लंबा लग रहा है टाइट ना हो जाए या वो खुद ना खोल ले तो अभी हम नहीं कर रहे मैंने क्योंकि ओपन ही रखा है ऑनमेंट कर रहा मुझे तुम्हारी रिंगटोन पसंद है वैसे ये वाली कितनी है तुम्हारी यही तो है मंगल भवन मंगल ये भी चीज मेरे को सुनने में आई थी मतलब पता चला था कि ये जो जितने भी हम एक सेकंड में बोलते बोलते भूल गए मैं क्या बोल रही थी ना होता है वुमन इनफ मैं याद करती हूँ सॉरी मेरे एकदम स्किप हो गया मेरे दिमाग से तो प्रेशर हो रहा है ठीक है मैं कैमरा इधर कर देता हूँ सॉरी मेरे को याद आएगा तो मैं आपको वॉइस नोट छोड़ दूंगी ना एक्चुअली केस के लिए हम कल गए थे और क्योंकि हमारे पास बेसिकली केजेस फुल है बढ़ते वायर ट्रैप केसेस की वजह से जो इन्फॉर्मर्स हैं वो ट्रीटमेंट करा रहे थे डॉग का लेकिन जो कंडीशन डॉक्टर हिमांशु ने रिपोर्ट की थोड़ा सा डॉग का हालत क्रिटिकल स्टेज पे है चाचा चल सुनो सही और बात करनी है कुछ हाँ जी बोलिए सर हम यहाँ पर क्या अच्छा। कहाँ पर आए हैं डॉग है पैरालाइजिस उसको लेने आए हुए हैं इधर अंदर उसकी बोन्स दिख रही है मतलब पीछे स्पाइन में लगी है कल डॉक्टर ने असेस किया था तो चलो यार ये देखो सताया हरासमेंट मुझे बर्ड लेके जाना रेस्क्यू के लिए सुबह यहाँ पे थैंक यू मीना ये आपस में लड़ते बहुत हैं यार ये वाले पक्षी तो मेरे ख्याल से एक आदमी घायल कर दिया है इसको ना पर बड़े सारे ग्रुप में नहीं उड़ पा रहा है उड़ गया हाँ उड़ गया उड़ रहा है वो फिर ऐसे ही परेशान होगा पिंजरे में रखेंगे इसको तो मेरे को लगता कुत्ते ना खा जाए नहीं इन्होंने तो सुबह अटैक किया सुबह चटोरी ने अटैक नहीं किया चटोरी इसको देख रही थी कि क्या हो गया भैया कुछ तो खा जाएगा पकड़ लो सर नीचे लगा हुआ है आहा ये लगी हुई चोट ना इसके छोड़ना बताओ इसको बॉक्स में डाल के हमारे पास वो है ना एक पैरट वाला हाँ उसी मैं इसको आकाश के साथ ही रख लेते हैं ना तो बिल्कुल चुड़ैल उड़ गई थी इसको देखो ये नीचे लगी हुई चोट ठीक है इतनी शरीफ बन रही है ना पहले तो आज हमने वीडियो अपना चिकन वाला फिनिश करना है पब्लिश भी कर देना है तुम्हें क्या लगता है विक्की जिस मुर्गी को कैंसर होता है उसका क्या होता है अब नहीं पता सर कुछ भी अब तो खाना बंद कर दिया हाँ आप लोगों को क्या लगता है जिन मुर्गियों को कैंसर होता है उनका क्या होता है कमेंट्स में बताइएगा एंड कट गैंगस्टर्स पे नाम रखते हैं ना सर ठीक है आदम मिर्ची
मुझे नहीं पता, एक इंडियन गैंगस्टर है ताकि लोगों को भी भाई नाराज हो जाए कोई रहने दे। ना ना सर, गैंगस्टर्स पे कौन नाराज होगा? गैंगस्टर नाराज हो सकते हैं, गैंगस्टर खुद नाराज हो सकते हैं। या तो ऑलरेडी हर कोई सेंसिटिव है, नेता सेंसिटिव है, जो पखंडी धर्म होता है वो लोग सेंसिटिव हैं, फिर उसके अब तुम गैंगस्टर को भी और नाराज कर दो, किसी एक को नाराज करो ताकि कोई हादसा हो तो पता तो लगे किसने किया है। एक एक पे रख देते ना, आदम मिर्ची नाम रख। नहीं, मेरा मतलब किसी एक ग्रुप को। अच्छा सर, वो ऑडियंस पूछ रही थी बर्थडे पार्टी कैसे करोगे आप। कौन ऑडियंस पूछ रही थी? तुम लोग पूछ रहे हो बर्थडे पार्टी? अरे तुम्हारी मिलियन वाली पार्टी है ना, उसमें एक एक चीज एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लेना, बर्थडे भी बन जाएगा। देखो हमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, एक ही बार ही जाएंगे, तेल कम खर्च होगा। हाँ ये तो है, टिकट करो। लंच कर रहे थे तो ज्योति को फोन आया, आपको वो आ गए? नहीं आ गए हैं, मुझे पैरावेट्स का कॉल आया तो मैं अभी देखने जा रही हूँ। पहले उन्होंने बताया कि मुंह फटा हुआ है करके, शायद बॉम्ब से। अभी ओनर से मेरी डायरेक्टली कोई बात नहीं। ये डॉग है, काव है? डॉग है सर। ओह माय गॉड, कब फटा ये? रात को। रात से ऐसे वहाँ पे नियरेस्ट कोई वेट सर टीका लगवाया था इसको। फट गया, बॉम्ब फटा। बॉम्ब? हाँ। इनका पड़ा है? हाँ, वो हम शादी में गए थे, शादी में आए तो इसको ऐसा हो गया। शाहपुर अभी डॉक्टर नहीं है अवेलेबल, शाहपुर में वो कहीं दिल्ली में गए हुए हैं। बात ये है कि शाहपुर में भी कोई एक्सरे नहीं होता। अच्छा, एक्सरे आपका पालमपुर में ही होगा। यार यार यहाँ पे नहीं एक्सरे करा सकते, धर्मशाला में एक्सरे करा लेंगे, वो पालमपुर ले जाने में। तो आप ले जा सकते हो पालमपुर इसको? हम बेस आरा पशुओं के लिए करते हैं, पर अब आप इतनी दूर से हो, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक बार पालमपुर ले जाओगे तो उसके आगे का हम देख लेंगे। जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्या नाम है? जिमी। इतना अच्छा था ना, ये इसके भरोसे हम घर पे जहाँ मर्जी घूम सकते थे जाकर। जी आप जितना कर रहे हो लोग इतना भी नहीं करते ना, नहीं। तो आप इतना कर रहे हो, बहुत अच्छा है। बच्चों की तरह पाला हमने। वो क्यों? अब गेट आराम से जेंटल निकल जाना है गेट ने। अच्छा कट करो। जो कल डॉग नहीं आया था जिसके मुंह में बम फट गया था, जी वो कैसा है? वो पालमपुर ले तो गए थे, अब आगे क्या हुआ? कॉल नहीं आया सर उनका कोई? नहीं, ज्योति की बात हुई है, मैं फार्म पे नहीं रहा सर, बाहर आ गई ज्योति। अच्छा क्या सफेद दीजिए मुझे, कल गिफ्ट मिला मैंने, मैं पहन के फोटो दी। बाहर ही चल लेते हैं यार, जो कल वो बॉम्ब वाला केस था वो पालमपुर तो ले गए थे, हुआ क्या उसको फिर फाइनली? उसका कोई फ्रैक्चर नहीं डायग्नोस हुआ, एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं नजर आया, लेकिन हाँ डैमेज काफी ज्यादा हुआ है ना ऊपर वाले स्किन का। पर स्किन का हुआ है ना, कोई जबड़ा ठीक है? जबड़ा सारा ठीक है, दांत वगैरह सब पे और डिसलोकेट भी नहीं हुआ, तो इसकी तो रिकवरी फास्ट हो जानी चाहिए। तो ये उन्होंने अपने पास ही रखा? हाँ सर, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो मैनेजेबल है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमने उनको बोला है कि हमें इन्फॉर्म कर दें। मेरे को सिर्फ ये कि हमारे यहाँ डिस्टेंपर है, किसी का पेट डॉग रखें और कुछ हो गया तो हमारी मुश्किल। बिल्कुल, तो आप उनसे बस फॉलो अप कर लेना कि मैनेज हो रहा है तो ग्रेट, नहीं हो रहा है तो रिस्क बता के हम ले सकते हैं, क्योंकि उसकी हालत थोड़ी। कल हमने साहिल को वहाँ पर शिफ्ट करवाया ना पशु हॉलिक टीम के पास, बहुत हद तक वुंड उसका। साहिल वो जो डॉग जिसपे लेपर्ड अटैक था। साहिल चल, जब देखो वाजिल गा तेरे को सुनता ही नहीं है, तू कहाँ छुपा है? बस छुपने का काम है इसको भी। इसका भी चोट तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी भी, लाल लाल। हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर लोकेशन पे रिलीज नहीं हो रही है, वो इसके रेस्क्यूअर थे एक्चुअल साहिल, जो कि पशु वाली टीम से है ना, हम उनके पास इसे वापस भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये ठीक हो गई है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट चल रही थी इसकी, लेकिन रिसेंट हमने 8 वायर ट्रैप केसेस 2 महीने में रेस्क्यू किए, अभी हमें और वायर ट्रैप केसेस पेंडिंग है, जगह तो कैसे थोड़ी बहुत मैनेज करनी पड़ेगी। उसका मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी, पशु ऑलिक उसने डाला था कि हे थैंक्स फॉर हेल्पिंग इस टाइम। अब वो वहाँ केयर कर रहा है, ये जो जगह बनी वो इस डॉग कोटला से जो डॉग है उसके लिए हमने बनवाई थी। मैं तो ऑफिस में गया था, इसकी लेग कटी हुई थी,
फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने वहाँ पे। थोड़ी सी स्किन फंसी हुई है इसकी, बस बाकी नहीं। वायर ट्रैप वगैरह तो नहीं हो सकता ना सर? वायर ट्रैप हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि वायर ट्रैप के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी हिस्ट्री कब से हुआ है, कब से इंजर्ड है डॉग, आसपास में किसी से पूछा किसी का डॉग? कोई वन वीक हो गया इसको। हेलो बेबी सर, for me the bone isn't displaced but the ligament is very swollen. बर्थडे का मेरे दिमाग में मैं आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट। कोई नहीं, बोलो बोलो, मजा आ रहा था। एक सीन कट करोगे? मैं ये कह रहा था कि बर्थडे पे जैसे रात को कल मैं अकेले बैठा हुआ था, सब कुछ हो गया खत्म, यू नो लाइक चकाचौंध। एक तो इसलिए मुझे ये ओकेजन नहीं पसंद आते कि भाई उस समय तो बड़ा एकदम हाई एनर्जी सब ये वो, बाद में फिर लगता है बाकी जो ऑर्डिनरी लाइफ उसके कंपैरिजन में डल लगती है। खैर, जब मैं रात को अकेले बैठा हुआ था, कुत्ता भौंक रहा था, नींद मुझे आनी थी, तो मुझे लगा कि यार कि अब मैं 43 साल का हो गया, यानी कि 43 साल गरीब हो गया मैं। तो जब लगा यार मेरे तो 43 साल ख़त्म हो गए, तो ये कि आने वाले 100 साल जो हैं और ध्यान से वाइजली इस्तेमाल करने, ये लर्निंग रही मेरी 43 साल की। बोरिक एसिड लगा रहे हो दीदी? नहीं भाई। फिर क्या लगा रहे हो? नियोमाइसिन पाउडर। नाइसिल पाउडर भाई, यहाँ सर समझाओ, नाइसिल लेके जॉनसन बेबी है। तो इससे क्या होता है दीदी? जख्म रिकवर हो जाता है। तो अब तक क्यों नहीं हुआ? और ये कैसे हुआ है? अच्छा, ये इसी से हुआ दीदी? दिमाग ही खराब कर रहा था। ये किस चीज़ का इंजेक्शन दीदी? ये इसको ट्राइबेट बोलते बेबी, ट्राइबेट। ओके दीदी। और अब ये इसके बारे में पूछ रहे थे, ऐसे घूमी उनकी तरफ ना। तो इसको कब रिलीज कर देंगे सर? आप बोल रहे तो अभी कर दें हम प्लीज सर। फिर से पिट्रा इसी एरिया से? यस, जोगीपुरा, जो उसी तरफ है। मैं तुम्हें पहले एक अपडेट दे दूं, तो वहां पे आज पुलिस वाले गए थे, आईओ गया था, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, तो उसको कोई ट्रैप तो जाहिर सी बात है नहीं मिला। उन्होंने प्रधान है उसको बुला के बोला तो है कि भाई एक बार बोल दो, और ये सीरियस है। अब ये जो है ये पिक ट्रैप है, वो तार वाला नहीं है ये? हाँ, वो है। हाँ, पिक ट्रैप जबड़े वाला। हाँ, जगह है हमारे पास? पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि वैसे खोलोगे तो ये ठीक होगा, एक बार जांच के लिए ले आते हैं, एक आध दिन किसी डॉग के साथ एडजस्ट करके फिर छोड़ देंगे। सर ये फिर वही हो जाता है ना कि हम रख लेंगे एक केस, फिर लोग बोलेंगे नहीं वो अब को देखते तो सभी हैं, फिर बोलेंगे दूसरा केस, फिर क्या होता है मेंटेनेंस में प्रॉब्लम। अपने हिसाब से चलो यार। देखो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ, मैं तो चाहता ही ये था कि या तो फिर मेरे तक बात पहुँचे ही ना, मेरे तक पहुँचेगी तो मैं तो आपको पता है, मतलब जो बंदा इतना ताम झाम जिसने शुरू कर लिया वो तो वो कहेगा ही कि तुम ले आओ, इसीलिए तो अमनदीप है आप हो कि आप पता कर रहे थे। मेरे तो बात नहीं पहुंचनी चाहिए, तुमको पता है जगह नहीं है, डिस्कस करेंगे जगह नहीं है मेरे पास, इसको पता है। तुम पॉलिसी से चल लो, पॉलिसी के हिसाब से चल लो, अब ये वाला पता लग गया है तो अब ये ले। ठीक है, तो समझ गए ना तुम? ठीक है, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा। अब आप मुझे बताओ, मान लो कि कोई ऐसा केस है जो हॉरिबल पेन में है, जिसको हम नहीं ला सकते, नहीं है जगह कुछ भी, तो क्या करें? उसको छोड़ देना बेटर है या जाके उसको जहर का इंजेक्शन लगा के खत्म कर देना बेटर है? इतना ही था कहने तो क्या डिसाइड हो जाती? हम जा रहे हैं आगे, जहाँ पे व्हाइट बिल्डिंग आएगी ना वहाँ पे रुक जाना बस, मैं भी आई। वो ब्लैक कलर का जो है ना, सुन 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 सुन, अरे अरे मेरी बात सुन, इधर आओ, उसका मुंह दूसरी साइड है। पता पता है, रहने दे, गाड़ी के सामने है। अच्छा, वो है। तभी तो मैं कह रहा हूँ चाचा ने देखा नहीं, चाचा को दिखा दो एक बार। इससे पहले और को फंसी थी, यहाँ नीचे से आते हैं, उसकी तो टांग बाद में बेचारे की कटी गई, आधी टांग वो निकली नहीं उसकी, वो भाई टांग बस 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 बस, दो मिनट में ठीक है तू। ऑफिस में ही है सभी, तो कल ब्लॉक जाना है क्या? ये तो जाके पता लगेगा ऑफिस में, क्योंकि इतनी देर तक काम कर रहे हैं तो कुछ अर्जेंट ही होगा कि नहीं। हम अक्सर 7 बजे ही जाते हैं। अच्छा, काम करके। अच्छा,
Yes, doctor sahab. We are very dedicated to our work. अक्सर मैं मतलब कितने दिन हफ्ते में 7 बजे? 6 दिन? चलो फेंको मत, चलो चलो। आप आ रहे हो ना? माँ दे पड़ पड़ से। नहीं निकाल लिया, आँख में भी redness बहुत ज़्यादा है इसके। तू स्टेबल रहता, वो मुँह से बाहर नहीं निकालेगा नहीं तो फिर। ज़्यादा रूम है। सर एक जन हाथ पकड़ लो, एक जन खोल लो। और नीचे कर कुछ। सिर्फ एक इस पोर्शन पे है बस। हम बात जो शुरू कर रहे थे कि ये जो आज वाला वीडियो जा रहा है इसके मैसेज में तुम लोगों को कुछ नई मूत रहे हैं सब। मैं तो एग्जांपल दिया है कि मेरे को लग रहा है कि अगर एक वीगन या फिर एक हम पीपल फार्म वीडियो बना रहा हो, एक नॉन वेज जो खाता है वो वीडियो बना रहा है, दोनों के मैसेज सेम लग रहे हैं मेरे को, दोनों के एक ही लाइन पे खत्म हो रही है मेरे को ये लगा। ओके, मैंने हमारा ये जो आज कैंसर वाला एक वीडियो जा रहा है ना कि जिन मुर्गियों को कैंसर होता है उनका होता क्या है, उसके एंड में मैंने ये कहा है कि भाई ना खाओ, जो नहीं खाते वो सेफ है, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो कम से कम घर ला के खुद बना के खाओ। पर मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आप चिकन खाना शुरू कर दो, तू सोमवार को कोई रिजर्वेशन है? लेकिन वही ऐसा लग रहा था कि आपसे अप्रूवल मिल गया तो रॉबिन सर ने बोल दिया तो खा ही लेते हैं। तो रॉबिन सर ये कह रहे हैं कि मुर्गी खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप ऐसे घर पे ले आके खा लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हमने ये बात करी है कि मुर्गियों को कैंसर होता है, हर कोई सोच रहा है कि पीछे कोई चेक कर रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा, लोग कैंसर वाली मुर्गी खा रहे हैं, तो ना खाएं तो बेस्ट है, पर अगर 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 खाना है तो घर लाके खुद जांचो, देखो कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कैंसर वाला सेल छोड़ तो नहीं दिया, नहीं एक्चुअली पूरा फेंक ही दो ना। मतलब खुद कैसे चेक कर सकते हैं कैंसर है? दिख जाता है यार, ट्यूमर दिख जाता है ऐसे, वो पस वाले दिखेगा। पर हाँ ये कि कैंसर का शुरू ही हुआ है, छोटा सा है तो नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लोग क्या है, ये दुकान से खरीदने की जगह ब्रांड से खरीदने लग जाएंगे क्योंकि उनके यहाँ ट्यूमर वाला मीट नहीं मिलेगा उनके यहाँ से। सो क्यों मिलेगा, चेक तो कौन कर रहा है, मतलब जिस क्वांटिटी में देखो हजारों 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 मुर्गे कट रहे हैं, क्योंकि उनका तो छोटा है ना, तो ये देख के शायद फेक भी देते होंगे, लेकिन कंपनी वाले तो शायद नहीं करते, वो तो बल्क में मशीनों से हो रहा है बात, एंड मैसेज की हो रही है ना। मैं देखता हूँ इसको अगर मैं किसी और तरीके से कह सकूँ जहाँ पे मेरा एक्चुअल सेंटिमेंट कन्वे हो, ठीक है।